टेलीविज़न का सबसे बड़ा सुपर नेचुरल शो और एकता कपूर का वन ऑफ द बिगेस्ट टीवी शो नागिन सीजन 7 से उठाया एकता ने पर्दा, इस एक्ट्रेस को दिया ये बड़ा शो। तो फिर चलिए आपको बताते हैं और आपके साथ भी शेयर करेंगे कुछ ऐसी अननोन फैक्ट नागिन सीजन 7 से जुड़ी हुई। तो आपसे रिक्वेस्ट कि इस वीडियो के साथ बने रहिए अंत तक। दोस्तों, इन दिनों एकता कपूर के नए शो और क्लाइमैक्स के बाद से ही नागिन सीजन 7 को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। कई बार आयशा सिंह, सुम्बुल तौकीर खां और बहुत सारे बड़े बड़े नाम आए, लेकिन अब एकता ने यानी कि बालाजी टेलीफिल्म्स ने मुहर लगा दी है प्रियंका चहर चौधरी के नाम पर। आपको बता दें, नागिन सीजन 7 का शूट बहुत ही जल्द आरंभ होने जा रहा है और अब एकता ने ऐलान कर दिया है कि उनकी लीड एक्ट्रेस नन अदर देन बिग बॉस सीजन 16 की सबकी फेवरेट कंटेस्टेंट प्रियंका चहर चौधरी होने वाली हैं और प्रियंका के अपोजिट कास्ट किया जा चुका है प्रतीक सहजपाल को। फिलहाल के लिए आपको बता दें, नागिन सीजन 7 के लिए इस कास्ट को फैंस सबसे ज़्यादा डिमांड कर रहे थे। हालांकि ये बात अलग है कि इस कास्ट के साथ साथ लोग आयशा सिंह की भी उतनी ही दीवानगी देखी जा रही थी इस शो के लिए, लेकिन अब फाइनली एकता कपूर ने कहा है कि मैंने प्रियंका चहर चौधरी और प्रतीक सहजपाल को मैं नागिन सीजन 7 में देखना चाहूँगी। तो यानी कि एकता कपूर के इस ऐलान के बाद बहुत ही जल्दी मेकर्स अब इस शो का शूट भी स्टार्ट कर देंगे। फिलहाल के लिए आपका क्या है ओपिनियन, क्या लगता है आपको, वाकई एकता के इस कास्टिंग पे सवाल उठाए जाने चाहिए या फिर आप मानते हो जी नहीं, ये कास्टिंग बिल्कुल जेन्यून है और बिल्कुल परफेक्ट है नागिन के नए शो के लिए? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और भी इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।